दोस्तों, मुंगेर में मेयर का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें जनता की होगी सीधी भागीदारी, यानी कि जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर स्वयं अपना मेयर का चुनाव करेगी। हालांकि मेयर चुनाव को लेकर अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिस या डेट फिक्स नहीं किया गया है, फिर भी इतनी गर्मी में मुंगेर में चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। पूरा शहर बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग्स से पट चुका है। हर गली नुक्कड़, चौक चौराहे पे आप बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखेंगे और हर एक प्रत्याशी ने अपनी चुनावी दावेदारी पेश करते हुए चुनावी कैंपेन यानी कि चुनावी दौरा भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अपना मुंगेर भी कहां पीछे रहने वाली। आज इस कौन बनेगा मेयर शो में हमारे मेयर प्रत्याशी हैं प्रभु दयाल सागर जी। तो चलिए उन्हीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम कौन बनेगा मेयर में मैं प्रभु दयाल सागर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। सागर जी, जैसा कि हम जानते हैं मेयर का चुनाव होने जा रहा है और मुंगेर में लगभग 45 वार्ड है, हर वार्ड से जो है एक दो जो प्रत्याशी अपना दावेदारी पेश किया है। ऐसे में देखा जाए तो सैकड़ों प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है। ऐसे में प्रभु दयाल सागर को ही मुंगेर की जनता क्यों चुने, क्या खास है आप में? देखिए मिथिलेश जी, मेयर का जो पद होता है, ऐसे मेरी खासियत तो लोग बताएंगे यहाँ के जी, जिनके बीच में हम पले हैं, बढ़े हैं और इतना सम्मान पाए हैं, वो लोग बताएंगे मेरी खासियत के बारे में। लेकिन मुझे जो इतने दिनों के अनुभव से जो प्राप्त हुआ है कि मेयर का पद कोई साधारण सा पद नहीं है। जी जी जी, कि आप आए और मेयर बन गए और बाकी सब कुछ आपका होता रहा, चलता रहा जी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सूझबूझ की ज़रूरत है, अनुभव की ज़रूरत है और संतोषी मानसिकता की ज़रूरत है। नहीं तो लोग आएंगे, 5 साल दुकानदारी करेंगे, लूट खसोट करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन शहर जैसा का तैसा बना रहेगा, ये आज तक लोगों ने देखते आया है। उसी को बदलने के लिए मेरे भी मन में विचार आए और बहुत सारे हमारे चाहने वाले जो हमको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि ये आदमी सब कुछ से निवृत्त है, तो ये आदमी कुछ कर सकता है, कुछ बदल सकता है। तो मैंने बहुत बात सोच समझ के विचार किया कि नहीं, चलो फाइनली अब हम समाज को, ये भी एक काम है आज तक जो मैंने करते आया छोटे मोटे स्तर पर, आज ये बृहद रूप से करने का मेरे पास अनुभव भी है, मेरा स्वास्थ्य भी है और आदत भी कोई बुरी नहीं है हमारे पास। तो मैं ही क्यों, सागर भैया ही क्यों, तो इसके पीछे ये रीजन है कि हमने अपना लाइफ, अपने जिंदगी का शुरुआत मैंने खेल से किया था और अच्छा खिलाड़ी रहा है बिहार का। उस समय काफी हमारे पास अवार्ड भी जीते हैं, सम्मान भी मिला है और सीखने के लिए भी बहुत मिला है। 10 साल मैंने स्पोर्ट्स किया, फिर 10 साल मैंने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर के रूप में, अच्छा खासा ऑर्गेनाइजर के रूप में, और ये मुंगेर जिला के लेवल में नहीं, स्टेट के लेवल में, जी जी, मैं खिलाड़ी भी रहा स्टेट लेवल का और ऑर्गेनाइजर भी रहा स्टेट लेवल का। उस समय के जितने हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते थे हमारे घर में आते थे और हमारा उनसे एकदम भाई का रिश्ता था। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेल का आयोजन होता था ये सब में हमारी भागीदारी होती थी बाकी लोगों के साथ था। वो भी अनुभव है। उसके बाद मैं पुलिस में जॉब करते करते लोगों ने, पुलिस के लोगों ने मेरे
अनुभव के और क्रियाकलाप के आधार पर, मेरा विचार के आधार पर जबरदस्ती पकड़ के मुझे खगड़िया जिला पुलिस मेन सेशन का अध्यक्ष बनाया जी। और वो अध्यक्ष अनवरत मैं 22 साल तक खगड़िया जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहा। और नियम में परिवर्तन होने के कारण, नहीं तो और दिनों अंतिम तक मुझे लोग नहीं शायद छोड़ते वहां से, कुछ नियम में परिवर्तन हुआ तो हमको हटना पड़ा। तो ये अनुभव रहा। उसके बाद मैं सर्विस का ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन किया। पूरे बिहार, जब झारखंड और बिहार एक हुआ करता था उस समय, उस जमाने में, तो मैं पूरे बिहार का नेतृत्व करता था खगड़िया में बैठे बैठे। मतलब शुरू से आप लीडर रहे हैं, वो चाहे खेल से संबंधित हो या आप जॉब भी कर रहे थे। ऐसा सुनने में आता है कि आप जॉब तो कर रहे थे लेकिन पुलिस के विभाग में हर कोई जानता है आपको, जो है भ्रष्टाचार पसंद नहीं है कहीं ना कहीं, और आप चाहते हैं कि स्वच्छ वातावरण हो, और कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी वहाँ पे सेट नहीं हुई। आप सेवानिवृत्त हो गए वहाँ से और आपने जो है अपना कारोबार का शुरुआत किया। मतलब क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कारोबार में भी हमारी सहभागिता रही है जी, और बड़ा काम मैंने हमारे सहयोग से हुआ है। मैं उसमें लीडर के भूमिका में नहीं था, मैनेजर के भूमिका में नहीं था या मालिक के भूमिका में नहीं था, लेकिन हमारे सहयोग के कारण आज मैं गर्व के साथ भी कह सकता हूँ, और कोई घमंड वाली बात नहीं है, ये गंगा ब्रिज मुंगेर जो अभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं और गौरव है मुंगेर का, इस गौरव को प्राप्त करने में सागर का अगर व्यक्तिगत किसी एक आदमी का अगर इन्वॉल्वमेंट है, योगदान है, मुंगेर नहीं पूरे कमिश्नरी में, तो वो सागर का है। जितने भी कंपनी आए यहाँ, जो भी कंपनी, SCC आए, अरविंद टेक्नो आए, BBJ आए, विभिन्न विभिन्न तरह की कंपनी आए, सारे के सहयोग में सागर खड़ा रहा। चाहे वो अपराधियों के खिलाफ हो, चाहे प्रशासनिक सहयोग की बात हो, चाहे पब्लिक सपोर्ट की बात हो, या मुआवजा में, अधिग्रहण में, सब में हमारा इस पूल के लिए योगदान रहा है, और भरपूर योगदान रहा। और वो योगदान 100% निस्वार्थ, कहीं भी हमारा उसमें मैंने इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था। कि चंडिका स्थान की जो गिरती हुई व्यवस्था थी वहाँ पे, उसको आपने एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिया, सही कर दिया, ये कैसे हुआ? सैकड़ों बकरी मंदिर परिसर में घूमते रहती थी, 10 आदमी उधर गांजा पी रहा है, कोई उधर जुआ खेल रहा है, कोई उधर दारू पी रहा है, और आम आदमी का कोई फिक्र नहीं, कोई सम्मान नहीं, कहीं कपड़ा सूख रहा है, कहीं कुछ सूख रहा है। तो ये सारे चीज को जाके धीरे 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 प्रेम से, सम्मान से, और अपने आप को शक्ति से खड़ा होके सारे कॉन्सेप्ट को बदला। माता का जो नेत्र था ना, वो एक साधारण स्टील चदरा का था, चांदी और सोना का आंख बनवाया कलकत्ता से, इसमें हमारे आदरणीय SDO साहब थे, उसमें कुंदे बाबू का काफ़ी सहयोग रहा, वो बनवाए। दूसरा बात, कैमरा लगवाए, 8 कैमरा लगवाए, और आज तक अनवरत वो कैमरा चालू है, आज तक किसी का औकात हिम्मत नहीं हुआ। मतलब इस तरीके से आपने जो है वहाँ की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, और लोग जानते हैं कि आज चंडिका स्थान जो है मुंगेर की जो नगर देवी है, इतना मतलब चाक चौंद व्यवस्था और इतना सेफ, मतलब लोग बोलते। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर अपनी दावेदारी आप पेश कर रहे हैं कि मैं मतलब मेयर बनने लायक हूँ। आपने माता चंडिका के का रेफरेंस देते हुए ये बोला कि मैं दावेदार हूँ, वो बात नहीं है। मेरे पास अनुभव, बहुत सारे अनुभव हैं जी। बोले कि चंडिका माता का वो नेत्र लगाया, फिर वो जितना रसीद, मैनुअल रसीद जो कटता था, जो डुप्लीकेसी होता था, जिससे लूट खसोट होता था, सारा पैसा चला जाता था सरकारी दूसरे माफियाओं के पास, वो सारा कंप्यूटराइज किया, सब कंप्यूटर से रसीद कटने लगा। कैमरा लगवाया, जो कैमरा चल रहा है, सफाई का व्यवस्था किया, परमानेंट सफाई मजदूर रखा, गार्ड रखा, और सब व्यवस्था ठीक ठाक चलने लगा। जो गर्भगृह का गेट था, दरवाजा में आप जब झांकते थे, अंदर जाते थे, तो माता
नेत्र नजर आते थे, वो माता अब दूर से ही, और मेरा भविष्य में प्लान है कि जब रोड है ना, गांव वाली जो टीकारामपुर गांव वाली रोड है, सड़क है, उस सड़क पर से भी माता का दर्शन हो सकता है, ऐसा मैंने उस दरवाजा को किया, चौड़ा किया। बहुत सारे लोग इसमें डराए धमकाए डराया कि माता का है, ये होगा वो होगा ऐसे होगा, सैकड़ों साल का है, लेकिन वो सब मिट्टी में खड़ा था, दीवार सबको चौड़ा करके अच्छा किया और आज वो व्यवस्थित है। किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि इस मेयर चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार? देखिए मिथिलेश जी, मुद्दा तो सभी लोगों का विकास है जी, लेकिन विकास का जो कंसेप्ट मेरे पास है और विकास का जो मॉडल मेरे पास ब्लूप्रिंट तैयार है, अच्छा, तो वो अभी मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसका भी कॉपी होने लगता है तुरंत तुरंत। अच्छा। मैंने जितना आउट किया है, मैंने जितना अपने घोषणा पत्र में शपथ पत्र में जितना आउट किया हूँ, उसी का अभी बहुत सारा जो है ना ये हो रहा है, अच्छा, मार्केट में बिक रहा है, मतलब वो अब लोग उसको अपना के अपने तरह से वो लोग को ये इसको ये कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी ये बात है कि हर आदमी अपने विकास का बात करता है, मेरे पास विकास का मॉडल है। मैं सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट का जो एक बनावट है, मार्केट का जो खूबसूरती है, जब तक होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट अलग अलग नहीं होगा तो वो खूबसूरती डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक जगह सकड़ा हो रहा है, छोटा छोटा रूम हो रहा है, छोटा छोटा जगह हो रहा है जिसमें कि होलसेल और रिटेल दोनों कर रहे हैं लोग, तो वो उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है कि हम होलसेल मार्केट को बिल्कुल शहर से बाहर करेंगे। शहर से बाहर करने का मतलब ये नहीं कि हम 45 वार्ड से बाहर करेंगे, मुख्य सड़क शहर से जो मेन मार्केट है उससे बाहर करेंगे। बेलन बाजार हुआ, चुआ बाग हुआ, हेरुदिरा हुआ, हसनगंज हुआ, यह बिंदवारा हुआ, नौलखा हुआ, संदलपुर हुआ, आपको हाजी सुभान हुआ, चुरम्बा हुआ, शेरपुर हुआ, श्यामपुर हुआ, चंडी स्थान का इलाका है, लाल दरवाजे का इलाका है, ये सभी इलाके में होलसेल मार्केट रहेगा हमारा। ये सारे इलाके में होलसेल मार्केट रहेगा, उस इलाका का भी काफ़ी विकास होगा, लेबर होगा, मजदूर होगा, बहुत सारे वहाँ से लोग गाड़ी घोड़ा से लोग शहर में लाएंगे सामान, तो उसका हम डेवलपमेंट करेंगे और निश्चित करेंगे। ऐसा नहीं कि ये भाषण की बात है, ये मेरे पास क्लियर कॉन्सेप्ट है कि होलसेल मार्केट को मैं शहर के चारों तरफ फैलाऊंगा और रिटेल मार्केट को जगह दूंगा शहर में। शहर में लोगों के पास खुद भी जगह बन जाएगा, खुद भी जगह है, और नहीं तो हम मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बना के, नगर पालिका के पास इतनी जमीन। अच्छा, इसी से संबंधित एक और सवाल है, आपने बता ही दिया कि आपका मुख्य मुद्दा जो है चुनाव में लेकर करके जा रहे हैं अतिक्रमण का, खास महल का, भ्रष्टाचार का। एक और सुनने में आता है कि जो मुख्य मार्केट है वहाँ पे खास वर्ग का दबदबा है, जैसे आपने बिंदवारा का नाम लिया, लाल दरवाजा का नाम लिया, यहाँ के लोग सोचते हैं कि मुझे मार्केट में कब जगह मिलेगा, मैं यहाँ पे व्यापार कब करूँगा। तो अगर मान लिया जाए कि 4500 वार्ड की जनता आपको जो है वोट देती है, आपको मेयर बना देती है, तो आप कैसे जो है शहर का विकास करेंगे, कैसे जो है 4500 वार्ड का विकास करेंगे? देखिए जी, सीधी सी बात है कि हमारे पास अभी तक कंज्यूमर सीमित था जी। लोग सोचते थे कि इतने खरीदने वाले हैं, ग्राहक हैं, इतना ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा हम माल बेच सकें, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन अब हमारे पास मार्केट है, बहुत बड़ा एरिया है, एक खगड़िया बेगूसराय का इलाका, इतना बड़ा मार्केट है, लोग आना भी शुरू कर दिए हैं, लोग आने भी लगे हैं, लेकिन हम जगह देंगे तब ना। इसीलिए बोले ना, अतिक्रमण मुक्त जैसे हमारा शहर होगा कि लोग शहर को भी देखने आएंगे, मुंगेर को सुंदर बना के इसको हम जोड़ रहे हैं सभी लोगों को, तो मुंगेर में विकास तो होना ही होना है। और जो हमारा कंसेप्ट है, बाहर जो आउटसाइडर इलाका के आदमी को शहर में जगह मिलेगा, तो हमारे पास तो पहले ही बोल दिया कि नगर निगम के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, हम मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बनाएंगे, हम बेसमेंट सहित बनाएंगे ताकि मार्केट में हम पार्किंग भी सरकारी जगह पर दे सकें प्राइवेट लोगों को। सरकारी जगह पे सरकारी मार्केट बना के, सरकारी दुकान बना के, लेकिन हम उसको संचालन की जिम्मेवारी समाज के प्रबुद्ध लोगों को देंगे, समाज के ही लोगों को देंगे, ताकि वो मेंटेनेंस भी अच्छा से कर सकें
और दो पैसा कमा के नगर निगम को दे सके ताकि नगर निगम के भी आमदनी में बहुत सारा वृद्धि हो सके। नगर निगम जानते हैं इतना बड़ा समस्या। हाँ, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि शहर की जो मुख्य समस्या एक ये भी है कि यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। महिलाओं की छोड़िए, पुरुष भी जहाँ तहाँ जो है दीवार गंदा करते रहते हैं, और शहर में मच्छर की भी समस्या है। पार्किंग नहीं होने के कारण पूरा जाम लगा हुआ रहता है शहर में। तो ये सारे जो है समस्या, आप इसके इसका क्या मॉडल है, कैसे इसको जो है आप इस समस्या से कैसे उबारेंगे मुंबई को? जी, हमने अपना घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय, मतलब सुलभ मतलब आसान शौचालय का व्यवस्था कॉन्सेप्ट दिया है कि व्यापारी वर्ग, हमारे व्यापारी वर्ग शहर में रहते हैं और व्यापार करने ही लोग महिलाएं आती हैं बाहर से, तो सरकार यानी नगर निगम की ये आवश्यकता है, जरूरत है, और व्यापारी वर्ग का भी जरूरत है कि लोग आएंगे तभी तो खरीदारी करेंगे और हमारा सम्मान भी बढ़ेगा कि नहीं शहर अच्छा है, चलो भाई दूर दराज की भी महिलाएं पुरुष सभी आएंगे करने के लिए। तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे यहाँ के व्यापारी वर्ग को साथ में लेके, पीपीपी मॉडल पर वो भी शौचालय का व्यवस्था करेंगे, एक मार्केट सिर्फ महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारा, ऐसा हमारा घोषणा पत्र में है। मतलब आप बोल रहे हैं कि 4500 वार्ड का डेवलपमेंट होगा और शहर जो है मार्केट एक जगह सीमित नहीं होगा बल्कि हर वार्ड में जो है कुछ ना कुछ मार्केट होगा। हर जगह संसाधन होगा और कमाने का भी साधन होगा, हर वार्ड में होगा और वहां के समाज के लोगों के, सरकार के पास देखिए, सरकार देने के लिए बैठी हुई है। सरकार बोलती है कि आप पैसा ले जाओ, लेकिन पैसा हम उसी चीज के लिए लाते हैं, नाली बनाने के लिए लाते हैं, सड़क बनाने के लिए, पीसीसी सड़क बनाने के लिए लाते हैं ताकि उसमें लूट खसूट ज्यादा से ज्यादा है, संभावना है। अभी हम दोष देते हैं ठेकेदार को, हम दोष देते हैं इंजीनियर को, नहीं, असली दोषी जो मुख्य बैठे हुए हैं, जो हमारे जैसे लोग कर्म, जो मेयर बैठेंगे, जो पदाधिकारी बैठेंगे, मुख्य जिम्मेवार वो है, उनके नज़र से ये लोग छिप के काम नहीं कर रहा है, उसके नज़र से खुलेआम काम कर रहा है, खुलेआम ये लोग लूट कर रहे हैं मजबूरी में, और उसी मजबूरी को तोड़ना है। क्वालिटी होगा और सभी जितने भी पैसा का यहाँ डिमांड होगा, जो भी डिमांड होगा वो पैसा सरकार देने के लिए तैयार है। हम उसी पैसे के पैसा से हम पीपीपी मॉडल पर हम उस पैसा से मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बनाएंगे। अब तो सरकार ऐसा करने जा रही है कि नगर निगम को ये जानकारी नहीं होगी आपको या और लोगों को कि सरकार आप जमीन अधिग्रहण करने के लिए पैसा देने जा रही है नगर निगम को। ये तो बहुत मार्केट का, जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो मार्केट डेवलप्ड होगा और मार्केट खूबसूरत होगा, सुव्यवस्थित होगा, ताकि बाहर के लोग, बड़ा दूर दराज से लोग, जो हमारा इतना बड़ा एरिया है बेगूसराय खगड़िया का बलिया का, वो सारे लोग हमारे शहर में आ सके। जब तक हमारा मुंह खूबसूरत नहीं रहेगा तो देखने के लिए लोग नहीं आएगा। उसी तरीके से शहर जब तक खूबसूरत नहीं रहेगा तो लोग यहाँ मार्केटिंग करने के लिए नहीं आएंगे, और हमको खूबसूरत बनाना है। मतलब कुल मिलाकर आप मुंगेर को मुंबई बना देंगे। बिल्कुल। और आपके पास मॉडल भी है, ब्लूप्रिंट है, आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, और मुंगेर की जनता आपको चुने, आपको मेयर बनाए। अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम कौन बनेगा मेयर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, चूँकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुंगेर की जनता से अपील भी कर सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है, आप अपील कीजिए। मुंगेर की जनता से सादर प्रणाम करते हुए और अभिनंदन करते हुए कि ये आपका कहें कि आज के जो लोग हैं उनका सौभाग्य है कि अब सरकार भी मेयर का चुनाव सीधा जनमत से करने जा रही है। पैसे के बलबूते कोई मेयर नहीं चुना रहा है, जाति के बलबूते कोई मेयर नहीं चुनाएगा, इसलिए आपसे उन्हें निवेदन है इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं और किसी के बहकावे में जात के नाम पर या पैसा के नाम पर वोट नहीं करें, और एक अच्छे ऐसे आदमी को चुनें जो आपका सही मायने में हितैषी हो और शहर का सही मायने में ईमानदारी पूर्वक विकास कर सके, निष्पक्ष होके, भेदभाव
मिटा के, कोई भेदभाव रख के विकास नहीं कर सकते, हम सबको लेके विकास कर सकते हैं, किसी को छोड़ के नहीं, किसी को काट के नहीं। इसलिए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप दिल खोल के ईमानदारी पूर्वक मेयर का चुनाव करें और आपका ये सेवक सागर हमेशा ईमानदारी का भरोसा दिलाता है और ईमानदारी से एक कदम भी हिलडुल नहीं करेंगे। मुंगेर जिला बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इस जिला से एक एक जिला कट कर करके अलग हुआ, चाहे हम बेगूसराय की बात करें, लखीसराय की बात करें, शेखपुरा की बात करें, तो इन तमाम जिलों में जो शहरों का विकास जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। आप जाकर करके देखें बेगूसराय को, लखीसराय को जाकर करके देखें, लेकिन मुंगेर शहर का विकास आज तक नहीं हो पाया, आज भी पिछड़ा हुआ है। क्या कारण है सर इसका? दीदी, ये बात सत्य है कि बहुत सारे जिला मुंगेर जिला से कट के बन गया है और बन ही नहीं गया है, कटने के बाद वो बनता चला गया और मुंगेर सिकुड़ता चला गया। मुंगेर बहुत माने असुविधाजनक स्थिति मुंगेर की हो गई। इसके पीछे कारण हमारा नेतृत्व है, कहीं ना कहीं हम नेतृत्व के पीछे इस कारण को कर सकते हैं। नेतृत्व करने वाला, मजबूत नेतृत्व करने वाला नहीं हुआ आज तक। सभी को साथ में लेके जब चलेंगे तब विकास होगा, और सभी को साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जिला के नेतृत्व करने वाले हों पदाधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि, या प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हों जो पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि, उनको भी समझना पड़ेगा, नहीं भाई देखो ये ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और इसका ग्रीवांश जो है उसको पूरा करना होगा। मतलब एक तो नेतृत्व ठीक नहीं मिला मुंगेर को, और दूसरा जो चुनावी प्रक्रिया था, जो प्रणाली था, वो भी एक बाधा का कारण। मतलब अब जो जनता चुनने जा रही है अपना मेयर, अपना बहुमूल्य वोट दे करके, तो हो सकता है कि अब विकास हो मुंगेर का। बिल्कुल विकास होगा और निश्चित विकास होगा, और मुंगेर की जनता इतना समझदार है, मुंगेर की जनता इतना मैच्योर है, यहाँ कल्चर है, यहाँ पे कल्चर जिंदा है। लोग थोड़ा सा बोलना बंद कर दिए, थोड़ा सा विरोध बंद कर दिए, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है ना, लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं खुल के बेईमानी, खुल के लूट, खुल के भ्रष्टाचार करते हैं। और जब जनप्रतिनिधि, जब नेतृत्व करने वाला एक मेयर अगर बेईमान हो जाएगा तो पूरा शहर का सत्यानाश होना तय है। अच्छा, इसलिए, और अगर मेयर एक पद अगर ईमानदार हो जाए तो शहर में दिखने लगेगा, शहर का रौनक बढ़ जाएगा, शहर की खूबसूरती बढ़ जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, कोई ना रोजगार बेरोजगार रहेगा और ना कोई भूखे व्यापारी रहेगा। तो ये सब नेतृत्व के पीछे कहीं ना कहीं इसका जाता है। अच्छा, तो मुंगेर की समस्या क्या है? क्या मुंगेर की समस्या आपके अनुसार? जी, मुंगेर ऐसे समस्याएं तो बहुत है, क्योंकि आज तक समस्या ही पैदा किया गया है, समस्या ही बनाया गया है, चाहे नेतृत्व करता हो चाहे कोई हो, तो उसी के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। लेकिन मुख्य रूप से मैं सिर्फ दो समस्या पर हम बात करेंगे, समय भी नहीं है उतना। ये दो समस्या क्या है मुंगेर का विकास में बाधक, और सबसे बड़ा बाधक मुंगेर में अतिक्रमण। अतिक्रमण के कारण इतना खूबसूरत शहर, इतना शानदार शहर, हिंदुस्तान में चंडीगढ़ के बाद कोई ऐसा शहर नहीं है खूबसूरत। इस सूरत पर, इस खूबसूरती पर हम अपने आप से कालिक पोत के रखे हैं, उसी कालिक को मिटाना है अतिक्रमण दूर करके। अतिक्रमण जिस दिन मुंगेर से समाप्त होगा, मुंगेर पर्यटक सिटी के नाम से जाने जाएंगे, लोग शहर घूमने के लिए आएंगे, मार्केटिंग करने के लिए दूसरे शहर को छोड़ के मुंगेर आएंगे, यहाँ का व्यापार इतना बढ़ेगा, यहाँ रोजगार इतना बढ़ेगा, छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, इतना लाभ लेंगे सिर्फ अतिक्रमण के कारण, खास महल के कारण।
आज मुंगेर का विकास बाधित है और कोई व्यापार, बड़ा व्यापारी व्यापार करना चाहेगा, हिम्मत तो है, समझ है, लेकिन वो बड़ा व्यापार इसलिए नहीं कर सकता है कि उसको सरकार के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, बैंक एक रुपया की लोन नहीं दे सकती है। कल के डेट में डंडा लेके खास महल के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी खड़ा हो जाता है और किस तरीके से काम लोग कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये सबको पता है। तो ये सारा चीज बाधक है हमारे शहर के विकास में। हम ऐसा माहौल बनाएंगे, और मैं बजरंगबली नहीं हूं मिथिली जी कि कलेजा फाड़ के दिखा सकूं कि मेरे अंदर कितना हिम्मत है और ईमानदारी है, लेकिन इतना सख्त है कि अगर मैं मेयर चुना गया, मुझे लोग मेयर बनाए, तो मैं निश्चित रूप से खास महल और अतिक्रमण के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और ईमानदारी से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के, ऐसा नहीं कि लाठी चला के, हम व्यवस्था पहले देंगे नहीं और लाठी शुरू में ले लेंगे तो वो नहीं चलने वाला है। मतलब आपने बताया कि खास महल सबसे बड़ी समस्या है। खास महल मतलब वो खास जमीन जहाँ पे जो है जमीन सरकार की है, लीज अभी हुआ नहीं है किसी के पास, रजिस्ट्री के पेपर नहीं, बैंक लोन नहीं दे सकते उस पर, जो है बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, डर लगा रहता है उस पर कि आज मैं इन्वेस्ट कर दूँ करोड़ों का, कल के डेट में मुझे भगा दिया जाए, तो ऐसी समस्या है खास महल का जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, ये दूर हो सकता है क्या? बिल्कुल दूर होगा। ये देखिए, ये सरकार की जो नीति है ना, बोले ना कि सरकार नहीं है, हमारे जनतांत्रिक सरकार की नीति नहीं है, ये अंग्रेजी सरकार की नीति है। उस सरकार की नीति को आज भी हम बनाए हुए हैं और उस पर ही चल रहे हैं, उसी ढर्रे पे। पहले अंग्रेज की नीति थी, अंग्रेजों की जमीन थी और हम रहते थे वहां, जब मन तब डंडा लेके हमको हटा देता था, जब मन तब उसमें दूसरे आदमी को बैठा देता था। आज वैसी बात नहीं है। सरकार चूंकि जनतांत्रिक प्रणाली से जीते हैं, जीतती है और सरकार बनाती है, तो हमको डंडा लेके भगा भी नहीं सकती है। और कानून भी, हम जब सैकड़ों साल से यहाँ स्थापित हैं, कानून भी कहता है कि जो इतने बरस से जिस जगह पे अपना व्यापार, बिजनेस, जीवनचर्या, रोटी कमा खा रहा है, उसको आप लाठी मार के नहीं हटा सकते हो। तो कानून से भी हम समाज, शहर मजबूत है और सरकार भी हमारी जनता। मतलब आप चुनाव जीतेंगे तो इस अतिक्रमण और खास महल पर आप काम करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसका मैं रिजल्ट दूंगा, इसका मैं रिजल्ट दूंगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक इसका मैं रिजल्ट दूंगा। तो ये थे प्रभु दयाल सागर जी उर्फ सागर भैया। कौन बनेगा मेयर के अगले एपिसोड में मैं किसी और प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ, पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।